बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ल्लाहुवन्ना मुहम्मदन माहुआ अहलुहू। मैं रशीदुल ज़फ़र और आप देख रहे हैं उर्दू विद रशीदुल ज़फ़र। और आज के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं जो आया हूँ, उस टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा कि जो उर्दू के जुमलों का हुसन क्या है, और उर्दू बोलते हुए हम जब किसी लफ्ज़ पे ज़ोर देते हैं तो उस लफ्ज़ों के मानी किस कदर पुरअसर हो जाते हैं और किस कदर मानी में वसत आ जाती है। तो ये अल्फाज की जादूगरी है उर्दू में। आपको पता है अल्फाज, उर्दू एक फसीह और बलीग ज़ुबान है और इसमें हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों को अगर समझ जाएं तो हम बहुत अच्छे से उर्दू सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं अपना ये जो टॉपिक जो है वो आज के शुरू करूं, टॉपिक बड़ा शॉर्ट सा है, लेकिन उससे पहले मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है। एक बड़ा मतलब उर्दू के प्रोफेसर साहब थे, तो वो घर आए, तो ज़ाहरी बात है कि उर्दू के प्रोफेसर हों तो उनकी बेगम का तो उर्दू से ताल्लुक़ होना या ना होना दूर की बात होती है। तो उन्होंने आके अपने घर में ये पूछा, और मेरा ये जो लतीफ़ा है ये इसी टॉपिक से रिलेटेड ही है कि आज घर में खाना पका है, तो उसको मैं इंशाल्लाह आपके सामने अभी बताऊँगा लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, एक उर्दू के प्रोफेसर जो हैं वो अपने घर आए और आके उन्होंने अपने बेगम से पूछा, और बेगम का मूड ऑफ था, तो उन्होंने आके अपनी बेगम से पूछा कि आज घर में क्या पका है। तो बेगम ने आगे से जवाब दिया, खाक पका है, खाक पकी है। तो उन्होंने आगे से, ज़ाहरी बात है उनके पास इल्म था, तो उन्होंने कहा खाक को उल्टा करो तो काख बनता है, और काख को फारसी में, काख फारसी में महल को कहते हैं, और महल को उल्टा करें तो लहम बनता है, और लहम अरबी में गोश्त को कहते हैं। हाँ बेगम, आज आपने गोश्त पकाया है। और बेगम का ये सुनना था, तो बेगम ने आगे से कहा कि गोश्त को उल्टा करें तो तशोग बनता है, और तशोग संस्कृत में सोटे को कहते हैं। वो दिन और आज का दिन, किसी उर्दू के जो प्रोफेसर ने घर में आके इल्म नहीं बिगाड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज ये तो एक लतीफ़ा था, तो आज मैं आपके सामने एक उर्दू का जुमला रख रहा हूँ, आज घर में खाना पका है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपली जो है इसमें बताऊँगा कि आज घर में खाना पका है, इसके एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देने पर जुमले की जो नौइयत किस कदर चेंज होती है वो आपके सामने मैंने रखना है। कि अगर हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम गलत फहमियाँ हैं माशरे में, और माशरे में मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीज़ें हैं कि वो हम लोग कहना पड़ता है तुम मेरी बात का मफहूम नहीं समझे, तुम मेरी बात को नहीं समझे, यार तुम गलत समझ गए, और मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। असल में होता ये है कि हमारे से कुछ अल्फाज पर ज़ोर दिया जाता है जो कि ज़ोर देने के काबिल नहीं होते, या उस वक़्त उस पे ज़ोर नहीं देना होता, या किसी और लफ्ज़ पे ज़ोर देना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हर ज़ुबान के मैटर्स हैं, हर ज़ुबान के मामलात हैं, और मैं अभी आपको बताता हूँ कि आज घर में खाना पका है। देखें, एक जुमला है, आज घर में खाना पका है। तो अगर आप इस जुमले के आज पे अगर ज़ोर देंगे, यानी आज घर में खाना पका है, तो इसका मतलब है कि आज घर में खाना पका है, पहले नहीं पकता था, और पहले जो है वो इस घर में खाना नहीं पकता था, लेकिन आज जो है घर में खाना पका है। अगर आप इस जुमले में घर पे ज़ोर दे देंगे, आज घर में खाना पका है, तो इसका मतलब है कि आज घर में खाना पका है, पहले कहीं और पकता था। आज घर में खाना पका है, पहले कहीं और पकता था, यानी आज घर में खाना पका हुआ। और अगर आप इस जुमले में खाने पे जोर देंगे, तो आज घर में खाना पका है, यानी पहले कुछ और पकता था, आज खाना पका है। और यानी जुमले के जिस जिस लफ्ज़ पे आप जोर देंगे, कि पहले मैंने बताया कि आज घर में खाना पका है, यानी आज पका है, पहले नहीं पकता था, और उसके बाद आज घर में खाना, यानी आज घर में पका है, पहले कहीं और पकता था, आज घर में खाना पका है, यानी कि पहले कुछ और पकता था, आज खाना पका है प्रॉपर। और अगर मैं कहूं कि आज घर में खाना पका है, यानी कि पहले कच्चा बनता था, अब आज पका बना है, अच्छा बना है। तो स्टूडेंट्स, ये उर्दू के जुमलों का, उर्दू के ज़बान का जो है वो हुसन है, और उर्दू ज़बान अपने ऐसे ही हुसन से जो है वो आगे से आगे जो है कितनी तरक्की करते हुए, कौन सी दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी ज़ुबानों में से है, ये चौथी ज़ुबान में है,
और उर्दू ज़बान जो है। और इंशाल्लाह मैं ऐसे ऐसे शॉर्ट और मालूमाती लेक्चर्स के साथ मैं आपके सामने हाज़िर होता रहूँगा। और इंशाल्लाह मैं बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं उर्दू के हवाले से, मेरी कोशिश है नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह तलबा के लिए एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ याददाश्त के हवाले से, कि जो जिसमें तलबा अपनी याददाश्त को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।